नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य की नीति और वास्तु शास्त्र के अनुसार बताएंगे कि औरत के कौन से काम करने से पूरा घर अमीर हो जाता है और पूरे घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, घर में परेशानियां खत्म नहीं हो रही, पैसा टिक नहीं रहा, कर्ज की समस्या है, तो वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। इनके करने से जीवन की समस्या खत्म होने लगती है। वास्तु किसी भी घर के रहने वालों को शांतिपूर्वक रहने में परम सहायक होते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है। वास्तु के इन उपायों को करने से जीवन को फिर से ऊर्जावान और समृद्धि वाला बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिनके करने से आपको कभी भी धन या शांति की कमी नहीं होगी। दोस्तों, नंबर एक है, पड़ोसी से होते हैं संबंध खराब। शास्त्रों के अनुसार कभी भी मेन गेट के पास कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। इससे पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध खत्म हो जाते हैं और दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगता है। और मित्रों, नंबर दो है, सूर्यास्त के समय ना करें यह कार्य। सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध दही या प्याज मांगने ना दें। इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है। साथ ही कभी भी घर की छत पर अनाज या बिस्तर ना धोएं, लेकिन आप इनको सुखा सकते हैं। इससे ससुराल से संबंध खराब होने लगते हैं। और मित्रों, नंबर तीन है, इस तरह मिलेगा शुभ समाचार। खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कभी भी उनके छिलके को कूड़ेदान में ना डालकर बल्कि घर के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने पर मित्रों से आपको लाभ मिलेगा और बिजनेस या नौकरी से संबंधित मामले में आपको कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। और मित्रों, नंबर चार है, लक्ष्मी माता की होती है कृपा। महीने में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर उसको परिवार को एक साथ इकट्ठा होकर खाना चाहिए। सबसे पहले खीर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की जल्दी कृपा होती है। और मित्रों, नंबर पांच है, सोने से पहले जरूर करें यह कार्य। दोस्तों, रात में सोने से पहले रसोई में बाल्टी भरकर रखें। इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है। और यदि बाथरूम में बाल्टी भरकर रखोगे तो जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं आएगी। और दोस्तों, नंबर छह है, बृहस्पतिवार के दिन करें यह कार्य। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु अवश्य खानी चाहिए और हरी वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख व शांति और समृद्धि बढ़ती है। और दोस्तों, नंबर आठ है, इस तरह निकले घर से बाहर। दोस्तों, रात में भूलकर भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर में हानि होती है। साथ ही ध्यान रहे कि जब पूरा परिवार बाहर जा रहा हो तो एक साथ ना निकले, आगे पीछे जाएं। इससे यश की वृद्धि होती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। और मित्रों, नंबर आठ है, तौलिए का करें इस तरह प्रयोग। स्नान के बाद कभी भी गीले या एक दिन पहले के प्रयोग किए गए तौलिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे संतान हठीबा परिवार से अलग होने लगती है, वह अपनी बात मनवाने लगती है। इसलिए हर रोज साफ सुथरा और सूखे तौलिए का ही प्रयोग करना चाहिए।